नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों ये जो फ़ोन देख रहे हैं लावा का Z60 है, इस फ़ोन में सिर्फ लावा ही लिखा रहता है। दोस्तों इस तरीके की जब प्रॉब्लम होती है तो फ़ोन सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। तो इसको हम सबसे पहले दिखाएंगे इसका बैक पैनल निकाल के, इसके बाद हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसको बिना सॉफ्टवेयर की मदद से रिपेयर करना है। दोस्तों इसकी बैटरी निकाल देते हैं, इसके बाद आप देख पा रहे हैं हमारी वॉल्यूम अप की बटन और ये पावर की बटन एक साथ में प्रेस करना है। फिर आपको हम दिखाएंगे किस तरीके से इसका इंटरफेस सामने आता है। तो एक साथ प्रेस करते हैं, दोस्तों आपने देख लिया होगा एक साथ प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन आ चुका है। इसको हमको ये वाली रिकवरी मोड पे लाना है। आप नज़दीक से देखेंगे रिकवरी मोड पर ले आना है इसको इस पावर अप की बटन से, और रिकवरी मोड के सामने आकर के वॉल्यूम डाउन की बटन से एक बार प्रेस करना है। दोस्तों इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाता है, आप देख पा रहे हैं हमारा फ़ोन इस तरीके का इंटरफेस सामने आ चुका है। नो कमेंट लिखा हुआ है, इसके बाद आप ये वॉल्यूम अप और ये पावर की एक साथ प्रेस करेंगे। दोस्तों एक साथ प्रेस करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस सामने आ जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ फैक्ट्री डाटा रीसेट वॉल्यूम डाउन की बटन से, इस पर क्लिक करेंगे और पावर की बटन से प्रेस करेंगे एक बार, और यहाँ यस पर लाएंगे, पावर की बटन से प्रेस करेंगे। दोस्तों देख पा रहे हैं रिबूट सिस्टम, पावर की बटन। दोस्तों फ़ोन फॉर्मेट हो रहा है, अभी 2 मिनट वेट करना होगा। दोस्तों 2 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, अभी फ़ोन पावर ऑन नहीं हुआ है, इसका डाटा सारा फॉर्मेट हो जाएगा। दोस्तों वेट कर लेना है, वीडियो पूरा देखें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों 2 मिनट से ज़्यादा वेट करना पड़ रहा है, अभी थोड़ा समय लगेगा, पावर होना हो जाएगा अभी। फ़ोन हमारा फॉर्मेट हो चुका है, इसको एक बार स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्किप करना है, स्किप कर देना है, यहाँ से कंटिन्यू कर देना है स्किप। दोस्तों वीडियो पूरा देखना है, नेक्स्ट करते जाना है आपको। यहाँ पर पैटर्न आप डाल सकते हैं, डालना है पैटर्न, तो इस तरीके से हम अपना पैटर्न डाल देते हैं। हमने पैटर्न डाल दिया है, कन्फर्म कर देते हैं। दोस्तों 2 मिनट वेट करना है, आपका फ़ोन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद मोर पर क्लिक करेंगे, एक्सेप्ट कर देना है, नो थैंक्स कर देना है, यहाँ से 2 मिनट वेट कर लेना है, आपका फ़ोन कंप्लीट हो जाएगा। लावा Z60 कैसे हार्ड रीसेट करते हैं दोस्तों, इस वीडियो हमने बताया आपको। दोस्तों इसकी प्रोसेसिंग चल रही, थोड़ा वेट करना होता है। देखा आपने, फ़ोन कंप्लीट हो चुका है एकदम कंप्लीट, विदाउट कंप्यूटर की मदद से हमने लावा Z60 को बिना सॉफ्टवेयर की मदद से, विदाउट कंप्यूटर से हमने इसका हार्ड रीसेट कर दिया। दोस्तों आज के वीडियो में हमने आपको बताया लावा Z60 कैसे हार्ड रीसेट करते हैं। दोस्तों फ़ोन कंप्लीट हो गया, इसके बाद इसका बैक पैनल लगा देते हैं और आपको हम दिखाएँगे हमारा फ़ोन अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम फ़ोन में नहीं बची हुई है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही बताएंगे लावा Z60 कैसे हार्ड रीसेट करते हैं। दोस्तों नमस्कार।